हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैड बॉय में। तो ये है हमारा एपिसोड 15। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एंड ड्रैगन से फाइट करने के लिए तैयारी करने वाले हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस भी किए हैं, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डोर लगा दिया है, और यहाँ पर ये वाले कोड यहाँ पर उगा दिए, और यह छोटा सा मैंने रूम बना दिया, और यहाँ पर लैंटेक्स लगा दिए हैं, और यहाँ पर दो क्राफ्टिंग टेबल और ये मैंने बना लिए थे, और यहाँ पर कुछ है ब्लेज रोड हम पिछली बार लेके, और पानी की बोतल, और ये मैंने यहाँ पर कुछ ग्लो स्टोन एंड रेड स्टोन एंड ये फैंटम। रात को मैं जाग रहा था और फैंटम आए थे, तब मैं उसके पास से मिला था, और गास्ट ईयर भी मुझे मिला था। तो यहाँ पर मैंने ये वाले नेदर वॉल्ट रखे हैं, और पानी की कुछ बोतल और ऐसा कुछ रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ड्रैगन को मारने के लिए जो हमें हवा में उड़ा देता है, तब हमें पोशन बनाना पड़ेगा स्लो फॉलिंग का। तो हमारे पास अभी कुछ ये सैंड और ये है सब कुछ, उसको मैं रख देता हूँ पहले, और यहाँ पर मैं उसको रख देता हूँ, सारा यहाँ पर रख देता हूँ, और इसको भी यहाँ पर ही रख देता हूँ। तो अब हमें क्या करना था, कुछ हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारा सूट पर क्या लगा हुआ है, प्रोजेक्शन, और यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा हुआ है यहाँ पर भी, और फेदर फॉलिंग और कुछ है। तो हमें कुछ इंचेंटमेंट, मेरी स्वॉर्ड भी हेल्थ भी कम है, और मेरी स्वॉर्ड बहुत ही तगड़ी तो है ही नहीं, तो मैं मेरी स्वॉर्ड ये रही नेदरराइट की, इसमें अनब्रेकिंग ही है। तो यहाँ पर मेरी पिके एफिशिएंसी वाली, पर लेकिन इसमें वो नहीं है, उसको क्या कहते हैं, उसमें लेवल ही नहीं है, तो हमें इसे इस पर मेंडिंग लगानी पड़ेगी, और सबकी हेल्थ भी तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ डायमंड तो थे, तो उसमें 61 हमारे पास डायमंड है। तो यहाँ पर जाकर मैं इसको पूरा रिपेयर कर दूँगा, और ये हमारी एक्स को भी, और सवल को भी मैं पूरा रिपेयर कर दिया मैंने। तो अब हमारी बो पर तो कितनी तगड़ी तगड़ी लगी हुई है, इसलिए कुछ इसमें परेशानी नहीं है, ये ले लेता हूँ। और अब हमें क्या करना था, हमारी स्वॉर्ड में तगड़ी तगड़ी इंचेंटमेंट रखनी है। तो हमें चाहिए कुछ, क्या चाहिए था हमें, बुक है जो हम अगली बार लेकर वहाँ पर से लाए थे, वो क्या कहते हैं उसको, और यहाँ पर है रिस्पेन इम्पलिसी एफिशिएंसी, और इसमें मैंडिंग भी लगी हुई है लूटिंग 3, और ये भी मैं लगा लूँगा मेरे में, और फायर प्रोटेक्शन वो तो हमें नहीं चाहिए, और इसमें से मैं मैंडिंग लगा लूँगा, किस में लगाऊँ मैं, मेरी बो पर शायद लगा दूंगा फिर। तो पहले मैं यहाँ पर स्वॉर्ड पर मैं लगा देता हूँ, कहाँ पर गई मेरी बुक, ये रही, और इसमें आ जाएगा लूटिंग 3। तो इसमें आ चुका लूटिंग, और थोड़ी सी मैं इंचेंटमेंट यहाँ पर करता हूँ। तो यहाँ पर जाकर हमें क्या, ये लेपिस तो मैं लाया नहीं हूँ, पर क्या मुझे मिल रहा है मैं चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पर गलती से डायमंड रख दिया मैंने, और यहाँ पर ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन सिल्क टच, और ये सब घटिया दे रहा है, और मेरे पास लेवल भी नहीं है, तो कुछ होगा, रात को ज़ोंबी को मैंने मारना पड़ेगा। और मैं जल्दी से अगले पार्ट में तो नहीं, पर एक्सपी फार्म भी तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था, तो अब मुझे क्या करना था, लेवल चाहिए थे, तो जल्दी से मैं आपको लेवल करके मिलता हूँ।
तो फाइनली गाइस देखो मेरा लेवल 30 हो चुका है, तो जल्दी से मैं नीचे जाकर कुछ इंचेंटमेंट करूँगा। तो यहाँ पर ये लेपिस और यहाँ पर ये से हम नहीं करेंगे ब्लास्ट प्रोसेक्शन, तो यहाँ से हम मैं सिल्क टच ले लूँगा और यहाँ से मैं सिल्क टच ही लूँगा। ये यहाँ पर हमें लेपिस और ये सिल्क टच हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें क्या दे रहा है सिल्क टच, और यहाँ पर ये देख ही नहीं मैं पा रहा स्माइल, और यहाँ पर रिक्स पे है। तो मैं स्माइल ले लेता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत है। तो पावर दे रहा है और यहाँ पर प्रोटेक्शन और फेदर फॉलिंग। ओ भाई हमें फेदर फॉलिंग और उसके साथ अनब्रेकिंग और उसके साथ पावर 3 भी मिल चुका है। तो यहाँ पर कुछ मैंने ये फायर एक्सप्रेस भी मुझे मिल चुका है, तो और कुछ लेंगे हम। और यहाँ पर ये क्यों ब्लूक नहीं डल रही, शायद ख़त्म हो चुका। नहीं नहीं ये डल चुकी। और यहाँ पर हमें इम्पिलनिसी या किसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो यहाँ से मैंने एफिशिएंसी ले ली, रिस्पेक्स और स्माइल, और दोनों में स्माइल है। तो यहाँ पर मैं ब्लास्ट प्रोटेक्शन ले लिया, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन प्रोटेक्शन ले लूँगा मैं। बहुत सारी इंचाइनमेंट करने के बाद आपको मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने कितनी सारी इंचाइनमेंट कर ली है और मुझे कुछ तगड़ी तगड़ी बुक भी मिल चुकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट्स। तो यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन वो नहीं चाहिए, अक्वा एफिशिएंसी भी नहीं चाहिए, शार्पनेस 5 मिल चुकी है, पंच नहीं चाहिए, पंच फिर से, और फायर एक्सप्रेस 2 चाहिए हमें, एफिशिएंसी नहीं चाहिए, और यहाँ से हमें स्माइल नहीं, और ये सब कुछ मैं रख दूँगा और अच्छी अच्छी ले लूँ। तो फाइनली मैंने रख दी और ये 4 बुक रखी है और ये भी रख दूँगा। और मेरे पास अब लेपिस थोड़ी सी ही है और हमारे पास यहाँ पर है डायमंड भी, रख देता हूँ ब्रेड अपने पास। तो चलो अब इंचाइनमेंट करते हैं, हमारी स्वॉर्ड पर शार्पनेस लगा देते है, और आ चुकी है हमारे पास शार्पनेस, और यहाँ पर फायर एक्सप्रेस 2, और उसके लिए हमें चाहिए लेवल। तो फिर से मैं आपको लेवल करके मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं फिर से लेवल कर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है कुनफुन बैग, वो भी लगा देता हूँ। तो और अब हमारे पास है फेदर फॉलिंग जो हमें मिली थी, तो ये रहा, इसमें फेदर फॉलिंग 1 लगा हुआ ही है, तो भी हम फिर से लगा देते हैं फेदर फॉलिंग। और ये रहा आ चुका है हमारे पास फेदर फॉलिंग। तो अब ये क्या है, फायर एक्सप्रेस 2 भी लगा देता हूँ, और इसके लिए फिर से जाए कॉस्ट। तो मैं मार कर आता हूँ वापस, मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस मेरे लेवल हो चुके हैं, तो जल्दी से मैं घर पर चला जाता हूँ। तो मैं ये आ चुका घर पर, तो चलो अब मैं डालता हूँ फिर से यहाँ पर फायर एक्सप्रेस 2। तो ये मेरे पास तगड़ी वाली स्वॉर्ड हो चुकी है। तो अब हमें बनाने पड़ेंगे कुछ पोशन, तो मैं यहाँ पर कुछ पोशन बनाऊंगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर जाकर इसको ओपन कर चला जाऊंगा, और यहाँ से मैं 3 पानी की बोतल ले लूँगा और ये वाले वॉट्स। तो अब हमें इसमें जाना है, यहाँ पर 3 रखनी पड़ेगी हमको। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, यहाँ से हमें लेनी है ब्लेज रॉड, और उसकी हमें बनानी पड़ेगी पाउडर। तो यहाँ पर मैं उसकी पाउडर बना देता हूँ, कितनी सारी बना लेता हूँ उसकी पाउडर। तो ये ब्लेज यहाँ पर रख देता हूँ और दोनों में चार्ज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी कर ली है मैंने, और आधी में यहाँ पर रख देता हूँ, आधी यहाँ पर, क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 4 रख देता हूँ। और पानी की बोतल मैं रखूँगा मेरे पास, दोनों में मैं काम करूँगा ना।
और यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर, हमें यहाँ पर रखना है वॉट। तो ये अब जब तक बनेगा तब तक मैं यहाँ पर भी रख देता हूँ वॉट। तो ये कितनी देर लगेगी, ये बनने ही वाला है अब। और ये देखो, ये ओको और पोषण बन चुकी है, तो उसमें भी बनने ही वाले हो गए और इसमें भी बन चुके हैं। तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। तो अब हमें क्या करना था, फेंटिन मेम्ब्रेस यहाँ पर रखने था, तो इसके मैं आधे कर लेता हूँ, दो दो यहाँ पर मैं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रख देता हूँ फेंटिन मेम्ब्रेस और यहाँ पर भी रख देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने दोनों पर रख दिए। तो अब ये क्या फेदर फॉलिंग का पोषण बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर लगती है इसमें, और यहाँ पर ये आ चुके हैं स्लो फॉलिंग के पोषण आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रेडस्टोन रखना पड़ेगा। तो रेडस्टोन हमारे पास है, तो यहाँ पर रख देता हूँ आधे, और ये 1-2 मिनट का हो जाएगा शायद, या 3 मिनट का हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है इसमें। रेडस्टोन रखने से उसकी मिनट बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर बनने ही वाले है, और ये देखो 4 मिनट के हो चुके हैं इसमें, ऐसा 4 मिनट के हो चुके हैं। तो इतने सारे हमें, इतने बहुत ही सारे बनाने पड़ेंगे। तो चलो बहुत ही सारे बनाने के बाद मिलता हूँ। तो फाइनली मैंने इतनी सारी बना ली है, तो अब हमें बनानी पड़ेगी रीजनरेशन की पोषण। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पता करके आता हूँ। तो मैं जान कर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ पानी की बोतलें। तो यहाँ पर वो रह चुकी है सा, और यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ सारी। तो वो तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ से मैंने ले ली। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1-2-3 रखनी है, और यहाँ पर ये फिर से रखना पड़ेगा हमको। और यहाँ से मैं थोड़े थोड़े से हटा रहा हूँ, और ये बन जाएगा तब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो ये बन जाएगा ऑकवर्ड पोषण। तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा गास्ट ईयर। तो ये आपको वो गास्ट से मारने से मिलती है, तो यहाँ पर ये आपको रखना है। तो यहाँ पर जल्दी से रख देता हूँ। और ये बनने ही वाला है। तो ये देखो रीजनरेशन का पोषण। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हम ग्लोस्टोन रखेंगे ना, तो वो रीजनरेशन 2 बन जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो रख कर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रीजनरेशन 2 बन जाएगा। तो ये होने ही वाला है। तो ये देखो रीजनरेशन 2। पर क्या हम इस पर अब रेडस्टोन लगा सकते हैं, शायद अब नहीं लगा सकते। और ये देखो रीजनरेशन 2 बन चुका है। तो ऐसी मैं बहुत सारी बनाकर मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने इतने पोषण बना लिए हैं। तो अब मैं चलता हूँ ऊपर। तो यहाँ पर बटन है, तो अब मैं जल्दी से ऊपर चला जाऊँगा, और बाहर रात हो रही है, सबसे पहले मैं सो जाऊँगा। और ये मैं नीचे गिर गया था, सो जाऊँगा सबसे पहले, फिर सुबह उठ को मैं एंडर चेस्ट में से सारा सामान मैं
ये फल सारा सामान मैं रख दूंगा। पहले इसको मैं एक चेस्ट पर रख दूंगा। तो यहाँ पर एक फायर रेजिस्टेंट का पोर्शन था, वो हमें उससे मिला था जो हमने नेदर में से उसके पास से ट्रेनिंग की थी तब। तो यहाँ पर मैं सारा पोर्शन रख देता हूँ और ये मैंने सारा रख दिया। तो एंडर चेस्ट में पूरी की पूरी खाली कर दूंगा। तो ये मैं आपको खाली कर कर रख कर मिलता हूँ। तो फाइनली मैंने एंडर चेस्ट को खाली कर दिया है। तो अब मैं इसमें कुछ काम का पोस सामान रख देता हूँ। देखो इतने मैंने एंडर चेस्ट पर रख दिए और इतने मैं अपने साथ ही रखूँगा और कुछ एक्स्ट्रा पिकेक्स और स्वॉर्ड रख देता। और फाइनली गाइस मैंने तैयारी कर ली और यहाँ पर कुछ ये सब रिया एक्सा प्रिकेक्स और ये सब, और मैंने कुछ ब्रेड और बेड और वाटर बकेट और बहुत कुछ लिया है। ये मैंने आज की तैयारी कर ली है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो अगली बार मैं एंडर ड्रैगन को मारने जाऊंगा। तो अभी तक आपने हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, और बहुत ही मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।